सदा शक्ति सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे। आज हैदराबाद के इलाके पुराने शहर चारमीनार में 32वां राजीव गांधी सद्भावना यात्रा मेमोरियल डे सेशन है। कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के परचम की नकाबकुशाई करेंगे। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, मेंबरान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, के चौधरी असेंबली में शिरकत करेंगे। जनार्दन रेड्डी, एआईसीसी सेक्रेटरी नदीम जावेद, रोहित चौधरी, श्रीधर बाबू, एमपी संपित कुमार, पीसीसी के साबिक सुदूर वीएच पुनाला दामोदर, राजुना नरसिंगी गौड़, महेश्वर रेड्डी, मरी शशिधर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, गीता रेड्डी, महेश कुमार गौड़, जग्गा रेड्डी, एमएलैया और दिगर भी मौजूद हैं। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। जब मालूम होता लोगों की तकलीफ क्या है। आज राहुल गांधी आज आ रहे कांग्रेस बोल रहा, आज पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया और गैस कनेक्शन बढ़ गया। आखिरी में नरेंद्र मोदी आपके दो बच्चे नहीं है, छोटे बच्चों का दूध भी दिया श्री दादा भाई, ऐसा सीएम प्रधानमंत्री को नहीं देते। और 700 करोड़ वाला भाई, 2 करोड़ वाला, 8 साल में 16 करोड़ प्रांत दिया रहे भाई। और डिमोनिटाइजेशन आधी रात को 500 का नोट खरब, 1000 का नोट खरब, उसके बाद 2 साल का नोट प्रिंट हुआ, बस में चला अया ये नहीं बोलते लोग, ये काबर नहीं बोलते अध्यक्ष, अरे 90 रुपया लेते हैं, 200 का 15 लाख जमा कर चुके के तीनों ग्रुप में बैंकों में जमा बुक को नहीं अब तक आया क्या किसी के पास। अब बात करेंगे हमको इलेक्शन में कैसे कैसे नमूने आ रहे हो, यहाँ गालियां देते दिल्ली में जाते अलग ही बोली, यहाँ गाली दिल्ली में चोरी, अब किसको समझ में आता। जो भी है राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा भाई, कल तक क्या क्या की बोले थे हमारे मीडिया में भी वीक लिखे राहुल गांधी के खिलाफ, अब तो उनको राहुल गांधी ने बदल दिया, बहुत अच्छा काम कर रहा, बहुत फिर लोगों का जहन बदल गया राहुल गांधी का। उसी वजह से जब भी आएंगे फर्स्ट को अभी निरंजन बोले बराबर, यहाँ लोकल वाले जो मेहनत कर रहे हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद में पैदा हुए, हैदराबाद में रहने वालों को या इंचार्ज बना, मैं तो कुल्ला बोल रहा हूँ, दामोदर रेड्डी को बोल रहा हूँ, हमारे चौधरी को बोल रहा हूँ, ये गलत काम ना को करो। डीसी पर रह के यहाँ क्या काम क्या काम करते रहे, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का क्रिश्चियन, यहाँ का पारसी को ये डायस पे रहता है, आप दूसरों को लाके हमारे ऊपर ये समझ गए ना, ये नहीं करता हमारा काम, हम करते राहुल गांधी का देखो, मैं भी निकलूंगा आज से जाऊंगा मकसद तक, मैं उनके साथ फिरने का काम गलियों में जाऊंगा, रोडों पे जाऊंगा, का बस्तियों में जाके अम्मा रंडी वहां राहुल गांधी गारु वस्तुन्नारु मी गुरिंचि मी सुख दुःखालु तेलुसुकोंटानु वस्तुन्नु, పెట్రోల్ ధర ఏమైంది, డీజిల్ ధర ఏమైంది, ఏ విధంగా పట్టుకుంటున్నారు, మీ బాధలు ఏమిటి అని చెప్పడానికి వస్తున్నాడు అక్క, రండి మన నాయకుడు తండ్రిని కోరుకొట్టుకున్నాడు, తండ్రిని కోరుకొట్టుకున్నాడు, ఆయన మీ ప్రజల గురించి వస్తుందని ఊరు ఊరు తిరుగుతారు వారు, ఒక్కరోజు మాత్రం ఆయన ఇవ్వండి అమిత షా, మిగతా రోజు ఉంటాము మొత్తం అచ్చని నాయకులతో రాహుల్ राजीव गांधी का प्रोग्राम, राहुल गांधी का सबके वास्ते, केवल ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, हर आदमी इस हिंदुस्तान में एकता रहने के वास्ते, इस हिंदुस्तान अमन रहने के वास्ते, हिंदुस्तान प्यार अचार रहने प्यार बोलता रहने के वास्ते राहुल गांधी प्रोग्राम की तुम सक्षम करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ
फिर भी मेरे भाई सुरेंद्र रेड्डी साहब को अच्छा मौका दिए, आप उनके साथ हैं, उनके जैसे जैसे काम करे भाई एक काम अच्छा करे। उनके इलेक्शन में सरपंच को पैसे नहीं होते थे, मैं भी पहला इलेक्शन 7 लाख में लड़ा, अब तो 70 करोड़ों ना हुआ क्या चला, सोचते 1 करोड़ बोले थे 1 करोड़, इससे ही दुकान चला। तो मैं चाहता हूँ बराबर हर आदमी, हर मुतवातीन, हर बुढ़े, हर लोग, हर इंटेलेक्चुअल ये पार्टी के अतिथि आइए, राहुल गांधी के जोड़े यात्रा को सक्सेस करना चाहिए। आज से मैं जा रहा हूँ मकसद तक जाऊंगा, मैं सब जगह गाँव में जाऊंगा, आइए रंजन माँ रंडी, आइए भाई मुसलमान भाई, हिंदुस्तान जोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में गरीबों की तकलीफ सुनने को आए, सबको मैं बोलूंगा। फिर एक मरता मेरा भाई निरंजन का साथ ही साथ उनके साथ जो पहले से मेहनत कर रहे कमलाकर और उनके बाद श्यामोहन रेड्डी, ये लोग इनका पीछे रहते मगर दिखते नहीं, काम बराबर करते, ये शोभ का काम नहीं करता। हमारा गोधन रेड्डी हो, कमलाकर हो, इवन हमारे भाई शशिधर रेड्डी हो और हमारे विष्णुवर्धन रेड्डी, सब इनके साथ है, हम भी इनके साथ है, जब तक मरे तब तक ये झंडे पे आऊंगा, 4 भाता सुनाऊंगा, पुराने लोगों को आदा बोलूंगा, हमने लोगों को बस्ते बोलूंगा, हमारे सरदार जी बल्ले 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 बोलूंगा, ये मेरा काम है। बोलते हुए फिर एक बार सबको शुक्रिया, ये हिंदी बात भी बराबर उनके साथ चलिए, जोरदार स्वागत करिए। और राजीव जी मुझे मौका मिला, वो यहाँ आए थे सीनियर पायलट ट्रेनिंग में, मेरे मौका मिला, रोज मिलता था, उसी से मेरी प्यार बढ़ गई। मैं मरे तब तक ये पार्टी छोड़ कर वाला नहीं हूँ, कोई दे दो कोई नहीं दे दो, कोई इंसल्ट करो, कोई पत्थर मारो, कोई गाली दो, मैं पार्टी छोड़ता नहीं, पार्टी में रहूंगा, पार्टी का काम करूंगा, राहुल गांधी का प्रोग्राम गारंट सक्सेस करूंगा। मेरी नहीं, हर एक दफा में अकेला कौन होता, हर आदमी आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उनकी सैक्रिफाइस हर एक आदमी दिल में रखना चाहे, खुशूस पुलिस वाले से मेरी गुजारिश है, अब तो झुक्कादार का होता राहुल गांधी पटना क्षेत्र का, राहुल गांधी मुझे जला दी मोबाइल की ना केवल जब अवसर दे रहे भाई नी कहा पदवी चाहिए ना पदे ओकटे कांग्रेस है ओकटे इंदिरा गांधी कुटुंब में ना पर अरे पर चेस्टानु तपन सरिगा ने दामोदर रेड्डी का अभिनंदन। अदे विधंगा हमारे गुजारिश है रोहित चौधरी जी, यहाँ के लोकल वालों को इच्छा दिला दी, मेरा काम करते दूसरे को भी यहाँ रखे कैसा बोलो, मैं बोलते मुसलमान भाई बोले हिंदू भाई ने क्या था सद्भाव आप करते आप लोग का निरंजन करते निरंजन के साथ की मैं नहीं कर सकता क्या हूँ बराबर कर उनके साथ सब है अंजन है अंजन भी एम पी है यहाँ रखते हमारे लोकल वालों को अब दूसरे घर वालों को लाके यहाँ रखे तो देखो ये तो चली करेंगे बराबर आएंगे ये तो नमूना है रे भाई राहुल गांधी राजीव गांधी आए तो कैसा है पब्लिक एक के ऊपर एक गिरके यहाँ से लगे हमारे गुरुद्वारा को भी गए हमारे सिख भाई भी खुश हुए उनको भी बात आते वहां पर वैसे ही रूट पे जाना यहाँ का काम बराबर हम करेंगे लोगों को जमा करेंगे बराबर अरे इसके भी नहीं रहेगा पिताजी से ज्यादा पब्लिक आए सरकार देखने का काम हमारा है फिर एक मरतबा हमारे भाई नरेंद्र अच्छा काम करते रहो जब तक आप जिंदा है बराबर झंडा चढ़ते रहना कोई आए नहीं आए तेरा झंडा तो चढ़ना चाहिए आए नहीं आए तेरी झंडा तो चढ़ना चाहिए ताकि जिंदगी भर यहाँ एक मौका मिला तुम्हारे को 4 मिनट से आप महात्मा गांधी सिकंदराबाद चलते रेडी तक गए क्या पब्लिक रहे भाई लेडीज को पकड़े के छोड़ रहे अरे हनुमान जरा छुड़ा जरा छुड़ा बोला तो इतना प्यार आदमी को जितना इंदिरा गांधी जब थी हर महिला खुश थे मगर इंदिरा गांधी मरने के बाद हर औरत 3 दिन तक चुल्ला नहीं चलाए वही सोच के हमारे राजीव गांधी क्या कह रहे महिलाओं को रिजर्वेशन लाए 73-74 अमेंडमेंट आके पार्लियामेंट में कब तक घर में झाड़ू देते कब तक मियां को खाना खिलाते बच्चों को पानी ना यही नहीं तुम भी पॉलिटिक्स में बोला सरपंच बन रहे मंडल अध्यक्ष बन रहे जिला परिषद चेयरमैन बन रहे ये राजीव गांधी का सोच है ये लोग तो नरेंद्र मोदी वादे बहुत करते
बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रोजाना रेबू रोजाना अंडा मारो इन्हें जब से बोला ज्यादा गड़बड़ हो गया स्लोगन बना देता भाई देखो ना आजादी का अमृत उत्सव नेहरू को काट दे रहे क्या कर रहे हैं भाई हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर अंडर यू विल वर्क अंडर दिस कौन प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करता है वो काम भी हम भी करें ये जो हिस्ट्री को गलत निकालने का काम जो आरएसएस बीजेपी कर रहे हो उसके साथ अपन बराबर मुकाबला करना चाहिए। मैं असदुद्दीन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ क्यों बोले तो पुराना शहर में जब झंडा छेड़ने वाला नहीं था अब लोगों में सोच जा गया जा दिया झंडा ये सही की मोटर में 2 बजे एक झंडा ये एक मिला झंडा 2 झंडे तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये अमन की बात है एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। राहुल गांधी के जोड़ों में यही बोल रहा लोगों को विद्वेष करना नहीं लोगों को झगड़ा कराना नहीं इस देश में एससी एसटी बीसी माइनॉरिटियों का मेजॉरिटी है हर आदमी आना चाहिए। राहुल गांधी को बड़ा स्वागत जुक्कड़ तक है।